दोस्तों, असम T20 का सेकेंड मैच आज का दिन का जो होगा, NSC वर्सेस JTC, न्यू स्टार क्लब वर्सेस गुवाहाटी टाउन क्लब। इन डेप्थ कवर करेंगे दोनों ही टीम के बारे में, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग की टीम्स दोस्तों आप क्रिएट कर पाओ। दोस्तों, इस मैच का कुछ भी अपडेट आता है ना, एंड अगले मैचेस के कवरेजेस जो होंगे वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूँ, तो आपको जुड़ना है टेलीग्राम। और अभी तो मैचेस थोड़े से कम हैं, बहुत जल्द स्टार्ट होगा जो एसोसिएशन नेशंस के अच्छे तगड़े मैचेस, उनके कवरेज अगर आपको चाहिए, जैसे कि हमने वलेटा T20 कप, ECN ट्राई नेशन सीरीज ओमेंस के हो या मलेशिया ट्राई नेशन सीरीज मेंस के हो, एक्सक्लूसिव उनके कवरेजेस आपको इस चैनल में मिले हैं और फ्यूचर में भी मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए जुड़ जाओ टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक एडेड है। तो चलो एनालिसिस करते हैं, समझते हैं इस मैच का बेस्ट टीम। नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी 140-50, यहाँ पे देखो यार 150 बनाना मुश्किल है, क्वालिटी बैटिंग आपको कमी दिखेंगे। बट यार एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे जैसे कि अदर्स मैचेस में असम T20 के विकेट गिर रहे थे, इधर भी गिरेंगे। कोई अच्छा स्टेट के प्लेयर्स अगर खेल गया तो सही है, अदरवाइज रन बनाना बहुत ज़्यादा टफ है। लास्ट डे 60 पे ऑल आउट हो गया ओपोनेंट, 104-5 चेस करते हैं। दो मैचेस, एक बैट फर्स्ट ने विन किया और एक मैच अबंडन रहा है। NSC से मोहम्मद हबीबुल्ला ओपन करेंगे, हिरोक ज्योति डेका, अरुण सोनार, कलम रैजा, जियाबुर रहमान प्रोबेबली होगा इसके आसपास इनका बैटिंग ऑर्डर। हिरोक ज्योति डेका जो जेन्युइनली टॉप ऑर्डर प्लेयर है, बट आइडियल ओपनर नहीं है। लास्ट सीरीज में 3 मैच 7 ओवर है, क्योंकि खास बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं था। डोमेस्टिक ओवरऑल में 23 का एवरेज, रिसेंट फॉर्म बैटिंग से उतना खास नहीं है और कई बार बॉलिंग नहीं मिला, बट स्टिल बिकॉज ये एज ऑलराउंडर प्ले कर सकते हो तो ट्राई करना है तो कर सकते हो। हबीबुल्ला प्योर बैटर है, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकेंड 50-50 कॉल रहेंगे। रिसेंट में 30-44-23 ऐसा कुछ परफॉर्मेंस रहा आउट ऑफ 5 इनिंग्स। अरुण सोनार, ये बंदा बॉलिंग करना जानता है, बट रिसेंट मैचेस में इन्होंने बैटिंग तो परफॉर्मेंस दिया ही नहीं, बॉलिंग से 2 बार बॉलिंग मिला बट विकेट लेस हर बार। लास्ट ईयर 10 मैच 164 रन, 4 ओवर 1 विकेट था। कलम रैजा, ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे थे लास्ट असम T20 में, डू नॉट बैट, चलो ये तो ठीक है। बाकी 10-0 विकेट 25-3 विकेट 0-0 विकेट 10 रन। कई बार ऐसा होता है कि मैच अबंडन होता है, इसलिए DNB भी लिखा जाता है। 73 मैच 27 का एवरेज 1413 रन, 249 ओवर 69 विकेट, तगड़ा ऑप्शन है। जियाबुर रहमान 39 मैच 137 ओवर 49 विकेट, इसको ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, नॉट अ बैड चॉइस। 57 और 0 विकेट अपना लास्ट मैच जो असम T20 में खेले थे। दीपंकर गोगोई 121 मैच 2339 रन, 363 ओवर्स 113 विकेट, बैट बॉल दोनों से वैल्यू देने में कैपेबल। रिसेंटली लास्ट 4 मैच में बॉलिंग किया, 1 बार 2 फॉर 1 बार 4 फॉर, तो ऐसे ही तो प्लेयर हम लोग ढूंढ रहे हैं दोस्तों हमारे टीम में, तो ये मस्ट भी प्लेयर होना चाहिए। इमरान शेख 79 मैच 262 ओवर 104 विकेट, एक और वेरी डिसेंट सा चॉइस रहेंगे दोस्तों, ऐड ऑन कर सकते हो, बैट बॉल दोनों से वैल्यू दे सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे रन बनाना मुश्किल है, बॉलर तो ज़रूरी है, अगर थोड़ा बहुत बैटिंग से वैल्यू दे सकते हैं तो बढ़िया बात। पीयूष कमाती 43 मैच 135 ओवर 31 विकेट, डिसेंट सा चॉइस है, 2 रन 17-0 विकेट, डू नॉट बैट 22-2 विकेट। देखो, और मैचेस में बॉलिंग करते हैं, कभी बॉलिंग नहीं करते, तो ये कम्प्लीटली कैप्टन और मैनेजमेंट को पता होगा बॉलिंग करेंगे भी या नहीं करेंगे। और इसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इंडिया में डोमेस्टिक T20 हो या फिर ECS के T10s हो, एक ही दोस्तों ऑप्शन होता है मेरा इन्वेस्टमेंट का, वो होता है कुबेरा, एंड अदर्स मैं कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करता। कुबेरा का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ और वहीं पे आपको कुबेरा का लिंक मिलेगा, बेस्ट ऐप रहेगा, लिंक से ही जुड़ना, अदरवाइज आप गलत जगह दोस्तों चले जा सकते हो, ठीक है। अगर कहीं से डाउनलोड करके जुड़ रहे हो तो रेफर कोड में मित्रा FDF ऐड ऑन कर लेना। राकेश 4 मैच लास्ट ईयर 8 ओवर 1 विकेट, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, आउट ऑफ 4 इनिंग्स 3 बार बॉलिंग है, विकेट लेस। सुब्रत दास 21 मैच 30 विकेट 143 ओवर, तो इसके पास नंबर ऑफ ओवर्स अच्छा है, बॉल फर्स्ट सुब्रत दास को ऐड ऑन कर सकते हो अपनी टीम में, ये सही होगा सुब्रत दास। राजीव 53 मैच 227 ओवर 74 विकेट, ठीक ठाक ऑप्शन, एक और आपके लिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। कई और भी प्लेयर्स हैं बेंच में बैठे हुए। मुदस्सर आलम 68 मैच 32 ओवर 32 का एवरेज से 1500 रन, 231 ओवर में 79 विकेट, वेरी डिसेंट चॉइस। राजीव कलीटा 35 मैच 583 रन, 34 का एवरेज से 76 ओवर 28 विकेट। उज्ज्वल दास 35 मैच 122 रन,
200 ओवर में 53 विकेट, उज्ज्वल ऑफ स्पिनर। आते हैं जीटीसी, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते हुए जुड़ सकते हो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे। अब वैशाली शर्मा, विशाल शर्मा ओपन करेंगे, पृथ्वी रूप, अर्नब बोरा, युवराज तिवारी, ध्रुव बिश्नोई होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से विशाल शर्मा अपना पहला मैच दोस्तों ये टीम विन करके आ रहे थे, 100-104 डिस्पेंड कर लिया। विशाल ने 45 बनाए थे लास्ट ईयर 9 मैच में, 149 रन, 11 ओवर, 5 विकेट। एज ऑन अभी के लिए टीम में रख लो, बॉलिंग भी डाल सकता है, प्लस पॉइंट है, अगर डालते तो सही है। पृथ्वी रूप पोस्टली रन आउट हुए थे और डोमेस्टिक ओवरऑल 67 मैच, 17 का एवरेज, 945 रन, 11 ओवर, 3 विकेट, कुछ खास परफॉर्मेंस है भी नहीं। अर्नब बोरा अच्छे टच में दिखे, 29 में 32 रन बनाए थे, अटैकिंग नॉक था लास्ट ईयर 8 मैच, 19 का एवरेज, 132 रन बनाए थे, टॉप ऑर्डर प्लेयर। युवराज तिवारी 17 रन बनाए थे लास्ट मैच में और लास्ट ईयर 9 मैच में 101 रन, 16 ओवर, 5 विकेट। ये बंदा बॉल डाल सकता है, ये एक प्लस पॉइंट है युवराज तिवारी को टीम में रखने का, बट लास्ट 5 इनिंग्स एक बार बॉल डाला, विकेट मिला, बाकी बार बॉलिंग नहीं डाला। ध्रुव बिश्नोई 36 मैच, 84 ओवर, 11 विकेट, इग्नोर करेंगे। साहिल अहमद 2 ओवर डाला विकेटलेस, बट 73 मैच में इसका करियर में 80 विकेट है, 314 ओवर, लास्ट 5 मैच में इसका बॉलिंग है, अच्छा डिफरेंशियल है ध्रुव साहिल अहमद। ऋषिकेश भरद्वाज विकेटलेस, 2 ओवर विकेटलेस, 67 मैच, 216 ओवर में 69 विकेट, ठीक ठाक चॉइस ये भी रहेंगे। मोंटू ने 3 में 2 विकेट निकाला, अच्छा डिफेंशियल बनेंगे। 95 मैच, 435 ओवर, 117 विकेट, एक बार बॉलिंग विकेटलेस, बट यार लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बाद पब्लिक तो बैक करेंगे, हम भी करेंगे। सैफ अली 1 ओवर में 1 विकेट, 4 मैच, 23 ओवर, 3 विकेट, डोमेस्टिक ओवरऑल निश्चय 3 ओवर में 1 विकेट, मस्ट बी प्लेयर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। 85 मैच, 353 ओवर, 105 विकेट, रिसेंट फॉर्म बहुत तगड़ा है, डिफेंशियल कैप भी से। मुंद्रा को इग्नोर करेंगे, कंगन तालुकदार बहुत अच्छा खेल गया दोस्तों ये बंदा, 41 मैच में इस बंदे के पास 93 ओवर में सिर्फ 28 विकेट था सीरीज से पहले, रिसेंट फॉर्म में डू नॉट बैट। 3 रन बनाया, बॉलिंग नहीं मिला, 6 रन बनाया, विकेटलेस चला गया, विकेटलेस एक बार 2 विकेट निकाला था, और इधर पहले ही मैच में 5-5 विकेट ले स्पिनर। ओपनिंग वाली निश्चय यादव, सैफ अली डेथ में, तालुकदार निश्चय साहिल, और ये ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, तालुकदार ने बहुत ज़्यादा अच्छा बॉल डाला, ये मोस्ट प्रोबेबली डेथ नहीं करेगा, मोस्ट प्रोबेबली डेथ कौन करेगा पता है, एम यादव करेंगे इनके जगह, शायद एम यादव, एच भरद्वाज, ये दो बंदा आपको डेथ करते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच में तो मैच जल्दी फिनिश हो गया था इसलिए तालुकदार डेथ में है, बट एक्चुअली में एम यादव, भरद्वाज बॉल फर्स्ट बहुत तगड़ा हो जाएंगे। यहाँ पे बेंच पे प्लेयर बैठे हुए ऋषिकेश बोरा राइट आर्म फर्स्ट, 67 मैच, 216 ओवर में 69 विकेट, डिसेंट चॉइस खेलता है तो बढ़िया चॉइस रहेंगे, और एच भरद्वाज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट आर्म स्पिन है तो चांसेस इनका भी कम है डेथ करने का। एम यादव तो डेथ करेगा दोस्तों, इसके साथ सैफ अली या फिर कोई एक पेसर ही डालेंगे, हाई चांस है डेथ करने का। मुदित बाजी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस है वगैरह को इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते हुए जुड़ सकते हो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक एडेड है। फिलहाल जो टीम बनेगा दोस्तों, देखो सोनार अगर खेलता है तो ले लूँगा, अब नहीं खेलते तो कैसे ले, पी मुंद्रा को ले लेते हैं, बोरा हमारे लिए सही चॉइस है यहाँ से, और लास्ट मैच में अच्छे टच में दिखे, तिवारी बॉलिंग नहीं डाला था, ठीक है डालता तो एड ऑन कर सकते, बी शर्मा देखो सब्स्टिट्यूट, ये जो रूल है ना सब्स्टिट्यूट, ये रूल होता है दोस्तों गॉड ऑफ क्रिकेट का, ये दुनिया में किसी ताकत को पता नहीं होता है एक डोमेस्टिक मैच में कौन सा प्लेयर दोस्तों सब्स्टिट्यूट आएंगे, और वो ऐसा परफॉर्मेंस कर देंगे जब उस मैच में आप अगर ग्रैंड लीग में टीम बनाओगे तो आप दोस्तों नंबर वन बुरबक हो, ठीक है, ये जो होगा ये नहीं है, आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे, ठीक है, ये सिर्फ मैनेजमेंट और कैप्टन को पता होगा कौन सा प्लेयर आने वाले, बाकी मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, इतना से आपको दिमाग लगाना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है। एक ही ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ, कुबेरा का डुओ मोड, निश्चय शर्मा, भरद्वाज, एस अहमद एड ऑन कर सकते हो दोस्तों, एम यादव सही चॉइस है, बाकी कहाँ गया मुझे, इतने सारे प्लेयर्स तो खेले थे ये फर्स्ट लाइनअप में, चलो इनका पॉइंट्स ही ऐड नहीं किया। ओ एनएससी अपना पहला खेलेगा, कैसे ऐड करेगा, एनएससी पहला मैच अबंडेंट हो गए थे तो एनएससी से जो अच्छे प्लेयर्स है, जो अच्छे बॉलर है, आई शेख हो गया एक, ऋषभ दास जो दोस्तों स्पिनर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और राजीव दास जरूरी है हमारे लिए, यहाँ से हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं रेजा जो लास्ट टूर्नामेंट में अच्छा खेला था, कमाती को ऐड कर लेते हैं दोस्तों, मुझे बॉलर चाहिए और बॉलर चाहिए जो खेलेंगे दोस्तों बॉल फर्स्ट में, हम लोग बॉलर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है,
यहाँ से हीरोक ज्योति डेका को हम लोग ऐड ऑन कर सकते हो, अगर चाहो तो इसको भी ऐड ऑन कर सकते हो, बट इसको ऐड ऑन करने के लिए ना ये आईशेक आरदास को मत हटाना, ठीक है, ये दोनों मस्ट पिक है। भरद्वाज भी सेफ है, बट चलो भरद्वाज की जगह मैं फिलहाल डेका को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, फिलहाल ये रहेगा टीम। और मैं मुंद्रानी सोनार को ऐड करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। कर्मकार भी ख़राब तो नहीं है, बट यार सोनार बहुत सही है। कैप्टन वाइस कैप्टन में ऐड ऑन कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, हम बी शर्मा लास्ट में इसमें सिर्फ बैटिंग से वैल्यू दिया, बॉलिंग से नहीं, तो ज़रूरत नहीं है। निश्चय वाइस कैप्टन है क्योंकि बैट बॉल दोनों से वैल्यू दे सकता है। और तालुकदार को तो अभी कैप्टनसी बनाऊंगा नहीं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट आ रहा है, पता नहीं कौन से मैच में आएंगे कौन से मैच में नहीं आने वाले, ठीक है। तो मैं ना निश्चय को कैप्टन बना के विजी बनाता हूँ आरदास, अगर बॉल फर्स्ट होता है जीटीसी का तो एम यादव को कैप्टन बना सकते हो, ठीक है। मुझे बॉलर्स को ही कैप्टनसी बनाना सही लग रहा है। फिलहाल ये रहेगा टीम, कुछ भी अपडेट आता है अगले मैच के कवरेज के साथ मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू दोस्तों।